And now we have Sri Anand Sharmaji. There are six speakers from your district. Yeah, you might have discussed other things in your. I know. Please. We have a portion. Maniya Upsabhapati Mohode, आपका बोर्ड काम नहीं कर रहा. सभापति. मैं गलती की माफी चाहता हूँ. बोर्ड काम नहीं कर रहा. करेक्ट मैडम. यहाँ भी जी तो हमको ठीक है. आप डोंट वरी. माननीय सभापति महोदय मैं क्षमा चाहता हूँ. पहले संबोधन में बोर्ड की तरफ देख रहा था, भाग गया. गृह मंत्री जी ने अभी सदन में एक प्रस्ताव लाया है नागरिक सुरक्षा बिल में संशोधन लाने का. पिछले कुछ साल से इसकी चर्चा रही है. 2016 में भी एक बिल लाया गया था. उस बिल में और इस बिल में काफ़ी अंतर है. सरकार के पक्ष का मैंने गृह मंत्री जी को सुना, दूसरे सदन में भी ये कथन है कि सबसे बातचीत हो चुकी है, इसकी जांच परख हो चुकी है. मैं इससे सहमत नहीं हूं, ना मेरा दल, क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं उसकी स्क्रूटनी होना जरूरी है. आपने कहा यह ऐतिहासिक बिल है, पर इतिहास इसको किस दृष्टि से देखेगा वो वक्त बताएगा. अगर बदलाव लाए थे आपने बेहतर होता. प्रजातंत्र की ये रिवायत है, इसको दोबारा दिखवाते. जल्दबाजी क्यों? पार्लियामेंट की कमेटी को भेजते, अगले सत्र में इसको लेकर आते. हमने मांग की थी, पर सरकार अपनी जिद पर कायम है, चाहती है कि इसको करे जैसे कोई बहुत बड़ी विपत्ति भारत के सामने है. ऐसा जो कि पिछले 72 साल में नहीं देखा गया, इसलिए इसको तुरंत करना जरूरी. हम इसका विरोध करते हैं. विरोध के कारण राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक नैतिक है. आई एम कन्विंस्ड दैट द बिल दैट यू हैव ब्रॉट इज एन असॉल्ट ऑन द वेरी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज एन असॉल्ट ऑन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इट हर्ट्स द सोल ऑफ इंडिया. It's against our constitution, against our democracy. It fails the morality test. It's divisive and discriminatory. It is against the very preamble of the constitution of our republic, which talks of liberty, equality, and secularism. This is the reason I stand to oppose. Nagrikta, Hindustan ki azadi ke baad. देश का बंटवारा हुआ था. नागरिकता की व्याख्या और कानून बनाने की आवश्यकता पर भारत की संविधान सभा ने व्यापक चर्चा की थी, जिसके राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति अध्यक्षता करते थे. डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान की समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान और कुर्बानी हिंदुस्तान की आजादी में है. पार्टीशन की पीड़ा पूरे देश को थी. जो लोग उस समय थे नेता जिन पर जिम्मेवारियां थी, जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था, उनको मालूम था कि नागरिकता का बंटवारे के बाद क्या महत्व है. उसको सब इन्होंने समझा. पर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्या है माननीय? वो भौगोलिक टेरिटोरियल है, जन्म से है, स्वयं के जन्म से, माता पिता के जन्म से, और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो आगे जाकर ग्रैंड पेरेंट्स के जन्म से भी किया, ओरिजिन से किया. दादा दादी नाना नानी वो सब इस संविधान के अंदर शामिल किए गए. धारा 5 से लेकर धारा 11 तक ये संविधान के अंदर सब कुछ उन्होंने उल्लेख किया है. जो माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा कि जो विस्थापित थे, जो पीड़ित थे बंटवारे के बाद,
क्या संविधान निर्माताओं का यह सम्मान करना है अगर हम ये कथन करें आज 2019 में 72 साल के बाद कि उनको कोई समझ नहीं थी, उन्होंने इस पे गौर नहीं किया था, कुछ नहीं सोचा था? ये गलत बात है। जहां तक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का आपने जिक्र किया कि लोगों को नागरिकता दी जाए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया, भारत के संविधान में कोई परहेज नहीं है। हिंदुस्तान के बंटवारे से उजड़े और उत्पीड़ित लाखों लोग जो पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से आए थे, उनको क्या सम्मान नहीं मिला? दो दो प्रधानमंत्री भी बने, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां बैठे, एक आई के गुजराल भी थे। हमको मालूम, परिवार टूटे थे, रक्तपात और नरसंहार हुआ था। गृहमंत्री जी, उनको न्याय दिलाना, बराबरी का अधिकार और समान अधिकार, ये प्रतिबद्धता भारत देश की थी, देश के संविधान निर्माताओं ने सुनिश्चित किया था। मैंने बताया स्पष्ट प्रावधान जो आप लेकर आए हैं कोई नई बात नहीं, आर्टिकल 6 में लिखा है। मेरे बाद मेरे और साथी भी बोलेंगे जो अच्छे कानून के अधिवक्ता हैं, वो इसका उल्लेख करेंगे कि संविधान में मुख्य सिटीजनशिप एक्ट में नहीं, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। जहां तक सिटीजनशिप एक्ट की बात है, 1955 में आया, उसके बाद इसमें 9 बार बदलाव भी हुआ, संशोधन हुआ, पर मूलभूत जो हमारा संविधान है उसमें कोई किसी संशोधन से कोई परिवर्तन या कोई टकराव किसी संशोधन में कभी नहीं हुआ। आपने माननीय गृहमंत्री जी, इतिहास बड़ा महत्व रखता है, मेरा कर्तव्य बनता है सदन में उसको रखूं, क्योंकि आपने दूसरे सदन में माननीय हिंदुस्तान के बंटवारे का जिक्र किया और बंटवारे का दोष उन लोगों पर लगाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर और उन नेताओं पर जिन्होंने अंग्रेजों की जेलों में बरसों गुजारे, कुर्बानियां दी और हिंदुस्तान की आजादी के लिए संघर्ष किया। यह न्यायोचित नहीं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, राजनीति अगर आप कहते नहीं होनी चाहिए तो यह राजनीति भी बंद होनी चाहिए। वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में था, उसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद सब लोग शामिल थे। उनके स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को आपको उनके मत से, विचारधारा से कोई भी परहेज हो, पर इतिहास में वो अंकित है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वैसा करती है आज की सरकार, मैं कहूंगा उसको नकारना अन्याय होगा, इतिहास का अपमान होगा। इतिहास को बदला नहीं जा सकता। दुनिया में बहुत यह कोशिश हुई, कई सरकारें, कई शासक, नया इतिहास लिखा है, पर वो लिख नहीं पाए, क्योंकि कोई भी जीवन में, मनुष्य के जीवन का यही है, यही राजनीति और यही सच्चाई प्रजातंत्र की है, कभी ना कभी जब परिवर्तन होते हैं, सच्चाई और इतिहास अपने आप को पुनः प्रचंड रूप में प्रकट करती है। एक नजरिया मान्यवर उन लोगों का भी था जो गांधी जी और कांग्रेस जी के मत, कांग्रेस के मत के विरोधी थे, उसमें मुस्लिम लीग थी, जिन्ना उसके नेता थे, हिंदू महासभा थी, विनायक सावरकर उनके नेता थे, टू नेशन थ्योरी जो बंटवारे की है वो कांग्रेस ने नहीं लाई मान्यवर, 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था, उसकी अध्यक्षता सावरकर जी ने की थी। 1938 में एक साल के बाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, और इसमें जी फजलुल हक ने मूव किया, जो बाद में इनके साथी भी बने बंगाल में, जो मुख्यमंत्री बने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जाकर। उसके बाद अंग्रेजों की भूमिका की आप क्यों नहीं माननीय चर्चा करते? लड़ाई तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी,
What was the role of the British? They gave veto power to the Muslim League and Jinnah after 1938. 1948 aur 1943 ke ghatnakram ko bhool nahi sakta Hindustan aur itihas. Ditya Vishwa Yuddha Congress ne virodh kiya tha. Gandhi ne Bharat chodo ka nara diya tha. Congress ka netratva kaid kar liya gaya tha. Koi neta bahar nahi tha. 3 saal tak sari Congress. Congress ko ban kar diya gaya tha. Illegal organization keh diya tha. Hazaron log jailon ke andar band the. Subo mein Congress ki sarkaren dismiss kar di gayi thi. Istife ho gaye the. To yahi do sangathan aage aaye. Viceroy Linlithgow ko ek ke baad ek chitthi deke. Chahe wo Hindu Mahasabha thi. Chahe wo Muslim League thi. Jinhone kaha, we will help in the formation of governments in the provinces loyal to Her Majesty's government. Yes. क्या वो बंगाल में सरकार नहीं बनी? क्या वो सरकार आज के पंजाब में नहीं बनी? He is speaking. He is speaking. Respect him. मान्य क्यों जिक्र नहीं आया कि हिंदुस्तान का बंटवारा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था उसके कारण हुआ? कांग्रेस को भी दोष देना गलत। आपने इतिहास अगर कोई नए लिखने का किसी को प्रोजेक्ट दिया है, कृपा करके ऐसा न्याय मत करिए, मेरा आपसे आग्रह रहेगा ये। पर एक चीज जरूर है, 1943 में औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई सावरकर जी ने, और मैं सारी ये बातें जो कह रहा हूं ऑथेंटिकेट करके सभा पटल पर रखूंगा ताकि भविष्य में याद रहे सच्चाई का। उन्होंने कहा, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद मिस्टर जिन्नाज प्रपोजल फॉर अ टू नेशन थ्योरी ऑन रिकॉर्ड। महाराज मान्य बाद में आज के परिपेक्ष में कहूं, जो 9 संशोधन आए 9 बार सिटीजनशिप एक्ट में, महत्वपूर्ण कई थे, मैं किसी को नगण्य नहीं मानता। नागरिकता दी गई, गोवा आजाद हुआ, दमन दीव आजाद हुए, पौंडीचेरी आजाद हुआ, वहां के जो नागरिक थे उनको नागरिकता दी गई। उसके बाद अफ्रीका में, कीनिया में, युगांडा में तकलीफ आई भारतीय मूल के लोगों को, सिलोन में आई, श्रीलंका में, वहां से उनको निकाल दिया गया। भारत सरकार ने आवाज उठाई, अंग्रेजी हुकूमत से बात करी, जो लोग यूके में जाके रहना चाहते थे जो वहां की नागरिकता मिली, और जो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, जिसमें से माननीय गृह मंत्री जी बहुत आपके गुजरात में भी हैं जो कीनिया से आए हैं, बहुत हैं जो युगांडा से आए हैं, उनको सम्मान भी मिला, अधिकार भी मिला, नागरिकता भी मिली, जमीन भी मिली, कारोबार भी। तो ये कहना कि 72 साल में वो करोड़ों करोड़ों लोग उजड़े उत्पीड़ित रहे और किसी सरकार ने कुछ सोचा नहीं, आप इसको लाने से पहले सोचते, सब सरकारें हमारी तो गलत रही। माननीयवर 6 साल श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे देश के प्रधानमंत्री, कृपा कर 3 बार बने, अडवाणी जी प्रधानमंत्री रहे, इसी सदन में इस पर चर्चा हुई है, आप उसका उल्लेख भी करेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी संशोधन हुए, जब भी नागरिकता दी गई, भारत की सरकार और संसद ने धर्म को कभी अधिकार आधार नहीं बनाया नागरिकता का, कभी भी। इसलिए हमने कहा यह हमारे मूलभूत सिद्धांतों से टकराता है, आर्टिकल 14 विच गारंटीज इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 15 विच प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन कलर कास्ट और क्रीड। गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट्स आई एम नॉट रीडिंग इट, आई एम जस्ट रेफरिंग टू दिस आर्टिकल्स। देयरफॉर दिस बिल ऑफ योर्स फेल्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी टेस्ट। भारत ने रिफ्यूजीज को, शरणार्थियों को सदैव शरण दी, दुनिया के उत्पीड़ित लोग
जो हिंसा के शिकार थे, जिनका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, भारत ने सदियों से उनको शरण दी, चाहे वो यहूदी थे, पारसी थे, ईसाई थे। मैं कहूं मान्यवर, आवश्यक समझता हूं एक तारीख का जिक्र करना, 11 सितंबर का, 11/9/9/11 दुनिया में आज कही जाती है उसको, अमेरिका पे जो हमला हुआ था उससे याद करके। पर पिछले 126 वर्ष में चार घटनाएं हुई हैं, 9 सितंबर को और 9/11, एक तो अमेरिका का हमला हुआ मैंने बताया, एक 1973 में हुई थी, यह भी दुखद थी, जब चिली में सेल्वेडर एलेंडे को मार दिया गया था, दसियों हजार लोग कत्ल कर दिए गए थे मिलिट्री कू में। तीसरा जो अच्छा था, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, वो भी 9 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, जिससे हिंदुस्तान बाद में आजाद हुआ। पर जिस 9 सितंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं वो है 9/11/1893, स्वामी विवेकानंद। आप स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं? हम सब मानते हैं, पूरे देश को उन पर गर्व है जो उन्होंने कहा, हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं, अधिकांश भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हैं या किसी भी धर्म के हैं, स्वामी विवेकानंद को दुनिया मानती है। शिकागो जाएं, वहां के सिटी हॉल की हर सीढ़ी पर एक एक पंक्ति उनके उस भाषण की लिखी है जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया था। और क्या लिखा था, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन विच हैज शेल्टर्ड द पर्सिक्यूटेड and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnants of the grand Zoroastrian nation. Unquote. I will not read beyond, but he has talked of religion, no discrimination ever by India. तो जिस देश ने ये कहा, आपकी क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में ह्यूमन राइट कन्वेंशन को, हमने उसको तो रेटिफाई किया, ह्यूमन राइट काउंसिल में भी हम हिस्सा लेते हैं, मानव अधिकार की बात है, मानवता की बात है। आपने परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की मान्यवर बात की है, आपके बिल में उसका उल्लेख नहीं है जिसका लिए उसको केंद्र शेखर रॉय जी कह चुके हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। अगर आपने वाकई उसके लिए लाया तो बिल में क्यों नहीं जिक्र, उसकी व्याख्या क्यों नहीं है? अगर आपको इतनी चिंता है, रेफ्यूजीज पर कानून क्यों नहीं है? उसको भी बनाइए देश के अंदर। मैं सोचता हूं ये प्राथमिकताएं चर्चा के बाद होनी चाहिए, ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात होनी चाहिए। गृहमंत्री जी, अगर आपने दिल से ये बात कही है तो आज इसको रोक ले, चर्चा करें ताकि आम सहमति से बात बने। मैं समझता हूं कि सदन की, पूरे देश की संवेदना उत्पीड़ित मानवता के साथ है, पर मुझे नहीं लगता कि इसका कारण केवल ये है, कारण राजनीतिक है। महोदय, आप भी जानते हैं, स्वीकारेंगे नहीं, हम भी जानते हैं, क्योंकि संविधान में तो प्रावधान है उन लोगों को नागरिकता देने का। माननीय गृहमंत्री जी, आपने 2019 के चुनाव का जिक्र किया, बीजेपी के मैनिफेस्टो का जिक्र किया, हर राजनीतिक दल को अपना मैनिफेस्टो लिखने का माननीय सभापति महोदय अधिकार है, आपका अनुभव है। पर किसी भी दल का संविधान, वे घोषणा पत्र भारत के संविधान से नहीं टकरा सकता, ना उसके ऊपर जा सकता कोई भी। जनादेश की बात है, हम सम्मान करते हैं, आप जीत कर आए हैं, हम हार कर आए हैं, तभी हम यहां बैठे हैं, आप वहां बैठे हैं, ये तो आपको बधाई कई बार दी। पर
संविधान की शपथ आपने भी ली है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी ली है, हम सब ने भी ली है, उसका उसके बारे में चर्चा जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि जहां तक हमारे बहुत उदाहरण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आपने कहा कि हमने सब समाधान कर दिया, कुछ नहीं किया। प्रावधान जैसा मैंने कहा आर्टिकल 6 में भी है, सिटीजनशिप एक्ट में भी है, रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप का भी है, नेचुरलाइजेशन से भी है। आपने शेड्यूल 3 में समय घटा के 11 साल से 7 साल किया है, ये आपके बिल कहता है, मैं नहीं कह रहा। तो एकदम से मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताएं अपने उत्तर में कितने लाखों करोड़ लोग आवेदन पत्र दिए हैं। मैं दो बात कहना बहुत ही जरूरी समझता हूं कि आपने कहा दूसरे सदन में कि एनआरसी पूरे देश में लाएंगे, ये असली बात है। आसाम का क्या अनुभव है, मेरे साथी बोलेंगे आसाम के, आसाम जल रहा है, आपको बोलना पड़ा, वो उत्पीड़ित लोग नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उनके मन में इनसिक्योरिटी क्यों है, असुरक्षा की भावना क्यों है, क्यों बच्चे निकलकर बाहर आ गए, जो बच्चे इंदिरा जी के समय में जो आंसू का आंदोलन हुआ था, आज वो पूरे बच्चे बाहर आ गए। बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं उचित नहीं है, निकाल दें माननीय और मेरा समय वापस कर दें। अब अब मुझे एक बात कहनी है आपको सर, मैं एक दो बातें कहूंगा जरूरी, उसके बाद खत्म करूंगा। मेरे दल का है, वो दल वाले एडजस्ट कर ले मेरी बात। दो बातें हैं जो मैं समझता हूं जरूरी कहना। पहले तो ये है कि जो आप एनआरसी ला रहे हैं, माननीय गृहमंत्री जी, डिटेंशन सेंटर पर मैंने इतवार को बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी। मैं चाहता हूं कि गृहमंत्री जी सर्वदलीय एक वहां पे डेलीगेशन लेके जाएं, हालात देखें कि क्या इंसानों के रहने की जगह है। शर्म आती है हिंदुस्तान को, 21वीं सदी के अंदर हमने इस तरह से लोगों को रखा है, माओं को बच्चों से दूर, बच्चों को माओं से दूर, कोई सुविधा नहीं, 600 लोग 5 कमरे में, 5 नल के। इनकार करें इससे कि यह वास्तविकता नहीं है। और जो पूरे देश की एनआरसी की आप बात कह रहे हैं, असुरक्षा की भावना है महोदय, इसलिए है क्योंकि कहा जाता है, आप उसकी पुष्टि करें या इनकार करें, कि देश के कई राज्यों के अंदर जगह ले ली गई है, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। जब एनआरसी बनेगी, क्या पूरे भारत में डिटेंशन सेंटर बनेंगे जो पिछले शताब्दी की याद दिलाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की जो यूरोप में होते थे? ये एक अन्याय होगा इस देश में, ये अन्याय होगा। केवल महात्मा गांधी और सरदार पटेल का नाम लेना संभव नहीं। मुझे नहीं पता कि जीवन में क्या होता है, सुना है कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं, पर बुजुर्ग कभी मिलते हैं? अगर सरदार पटेल आपके प्रधानमंत्री जी को मिल लिए तो बहुत नाराज होंगे, ये मैं कह सकता हूं। गांधी जी तो दुखी होंगे ही कि मेरे 150 साल मना रहे हो और ऐसा करते हो। गांधी जी केवल उनका चश्मा विज्ञापन के लिए नहीं और उनका नाम नहीं, मेरा आग्रह है उनके चश्मे से हिंदुस्तान को देखो, समाज को देखो, मानवता को देखो। आपका कैब उससे टकराता है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, सिर्फ गांधी जी को ही कह के, जैसा मैंने कहा सभापति महोदय, मैं जरूरी समझता हूं इसको कहना। महात्मा गांधी ने कहा था, आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन ऑन ऑल साइड्स एंड माई विंडोज टू बी स्टफ्ड, I want the culture of all lands to be blown about my house, yes, as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any, unquote. हिंदी में अंत में, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों तरफ दीवारें बनी हों और खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे देश में यथासंभव मुक्त रूप से आए, परंतु मेरी संस्कृति भी अक्षुण रहे। इनका सम्मान करें, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। गृहमंत्री जी गौर करें, आग्रह यही है, जल्दबाजी ना हो, कोई ऐसा वजह नहीं है कि आप इसको राजहट को छोड़ें, इसको कमेटी को भेजें, सबसे बात करें, ताकि देश में जो भावना है केवल शब्दों से नहीं, आपके एक्शन से खत्म होगी। जो हमारे बच्चे सड़कों पर हैं, लोग परेशान हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू आनंद शर्मा जी।
You have taken 24 minutes because you said the party will take care, so it will be taken care. Sri Jagat, I can understand smaller parties getting little extra time, 1 minute, 2 minute. I will accommodate. But the bigger parties, they have to adjust within the time that's given because they have been given already good amount of time. And once again, I repeat my appeal. When a speaker is speaking, making his own submission, others should patiently, respectfully hear him. And if you want to cheer also, that is quietly, but not by other means. That has to be understood by one and all.